छप्पन। अध्यक्ष महोदय, खंड एक, नवीन विधि महाविद्यालय खोलने के संबंध में मापदंड निर्धारित नहीं है, तथापि आवश्यक गुण अवगुण एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विधि महाविद्यालय खोलने पर यथोचित निर्णय लिया जाता है। खंड दो, विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ मुख्यालय में विधि महाविद्यालय खोले जाने संबंधी कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि चूरू जिले में कुल कितने विधि महाविद्यालय संचालित हैं? क्या पूरे जिले में अभी और विधि महाविद्यालयों की आवश्यकता नहीं है? और ये मापदंड जो है गुणावगुणों की क्या परिभाषा है? अभी तक खोले गए विधि में एक साथ सब बातें पूछ लोगे, रतनगढ़ में नहीं खोल रहे हैं। आगे पूछो आप। सर, मैंने ये पूछा है कि ये जो सीधा गुणावगुणों की क्या परिभाषा है और अभी क्या आवश्यकता नहीं है? क्या पहला प्रश्न बस हो गया। माननीय मंत्री जी, चूरू जिले में सरकारी महाविद्यालय एक है विधि महाविद्यालय, और 16 कुल जो है पूरे राजस्थान में 16 हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हैं, और जो प्राइवेट विधि महाविद्यालय हैं वो चूरू में, मैं उसकी लिस्ट आपको उपलब्ध करा दूंगा। और बीसीआई जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने 2019 में बंद कर दिए थे। उन्हीं के मापदंड और उन्हीं के जो कानून के हिसाब से ये लागू होता है, और 2021 में उन्होंने दोबारा खोले। अगर आपको कोई ऐसा लगता है तो आप मेरे को भेज दें, मैं उसको देख करके उस पर कार्रवाई करा दें। आपको रिलीफ मिल गया, समझ में नहीं आ रहा है, आप लिख के भेज दो, देख लेंगे उसके बाद क्या चाहते हैं। अगला प्रश्न, प्रताप लाल बिल, प्रश्न संख्या 257।